इसका नाम है राजा दलाल। ये कुछ टाइम पहले गौशाला के अंदर गाय भैंसों को चारा खिलाया करता था। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम ट्रेंडिंग अपडेट्स में बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट है थारा भाई जोगिंदर के बारे में, क्योंकि उन्होंने जो है रजत दलाल को रोस्ट किया, ट्रोल किया, यहाँ तक कि वार्निंग भी दे दी। पहले का कोई वीडियो है जहां पर रजत दलाल जो है वो एक बच्चे के साथ लड़ बैठे। अब वो वीडियो जो है वो जोगिंदर के हाथों लग गया। अब वो उसको देख करके एकदम ही आग बबूला भड़क गए और उन्होंने चेतावनी वार्निंग सब दे डाली, जो कि हम आपको इस वीडियो पे दिखाएंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे। यति नरसिंहा आनंद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए कमिश्नर दफ्तर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। कमिश्नर को तहतीर देकर नरसिंहा आनंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और आगे आप चैनल पे लाइक सब्सक्राइब शेयर और अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये कुछ टाइम पहले गौशाला के अंदर गाय भैंस को चारा खिलाया करता था। अच्छा, वहां पर गोबर साहब क्या करता था? गोबर साहब, इसके मालिक ने इसको वहां से भगा दिया, सैलरी नहीं दी इसको 6 महीने की। फिर ये बॉडी बिल्डिंग की लाइन के अंदर गया, वहां पर इसने 6 महीने की फीस ली अपने मालिक को, इसके मालिक ने वहां से भगा दिया 6 महीने। फिर इसने अपने जिम खोले और अब आजकल ये सोशल मीडिया के अंदर बहुत बड़ा बदमाश बना हुआ है, बच्चों को पीटता है, वीडियो अपलोड करता है। अच्छा, एक बार इसकी ये वाली वीडियो देखना और इस वाली वीडियो को इतना शेयर करना ताकि छोटे से बच्चों को इंसाफ मिले, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो इतना शेयर करना ताकि इस रजत दलाल को इसकी औकात का पता चले। तेरे को थारा भाई जोगिंदर बताएगा, तू बहुत बड़ा वो उछल रहा है ना आजकल सोशल मीडिया के अंदर। वीडियो शेयर करना, इस बच्चों को इंसाफ दिलाना तुम लोग के हाथ में है, वरना कल को जो और बच्चों को पकड़ेगा उनके साथ यही हाल करेगा जो इसने इस वीडियो के अंदर किया है। जय श्री राम। तो मेरे दोस्तों ये था थारा भाई जोगिंदर के वीडियो क्लिप, क्या कहेंगे आप अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अब हम आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो क्लिप दिखाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम CP से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। अच्छा, और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की जबान इस शख्स ने इस्तेमाल की हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहां पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो YouTube हो, जो भी Facebook हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी के अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और खलबी तकलीफ भी हो रही है। सही बात। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरमन रहिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है। सही। और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की जबान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों ये था असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान, जहां पर उन्होंने सारी बातें कही। ये नरसिंहा आनंद सरस्वती हमेशा मुसलमानों को टारगेट करता है, इस्लाम को टारगेट करता है, यहाँ तक के नबी के शान में भी इसने बहुत भी बुरी बुरी बातें कही हैं, जो कि अच्छी नहीं है। एक अच्छा इंसान जो है वो कभी सब बातें किसी के लिए भी नहीं करेगा, और इसने तो उस इंसान के बारे में कहा जो कि नबी है, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रहमतुल आलमीन है। सारी दुनिया पे इंसानों के लिए वो रहमत बना के इस दुनिया पे आए थे, और उनको ये इंसान जो है वो बुरा भला कह रहा है। यहाँ तक के जो शब्द इसने हाल फिलहाल वीडियो पे इस्तेमाल किए हैं वो बड़े ही गंदे हैं और नीच हैं। अगर आप जा करके देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितनी गिरी हुई लैंग्वेज इसने इस्तेमाल की है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।